हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ पतंजलि की हाई न्यूट्री सोया चंक्स का। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो हमारा इंडिया सर्च करें चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं और लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें। ये 200 ग्राम का पैक है, 100% वेजिटेरियन है और इसकी बड़ी टेस्टी डिशेज बनती हैं। ये जल्दी कुक किया जा सकता है और बड़ा टेस्टी है। तो देखिए, पहले इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें पर 100 ग्राम पे एनर्जी है 364 कैलोरीज, प्रोटीन है 54 ग्राम। प्रोटीन बहुत होता है इसमें, तो जिसको प्रोटीन डाइट करनी हो उसके लिए बड़ी अच्छी डिश है। कार्बोहाइड्रेट 36 ग्राम है, ऑफ विच शुगर इसमें 7 ग्राम है। टोटल फैट 0.5 ग्राम, इसमें फैट भी नहीं है, तो इससे आपको खाने में ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी कि फैट बढ़ जाएगा। ट्रांस फैट 0 ग्राम है, कोलेस्ट्रॉल 0 mg है, डायट्री फाइबर 13 ग्राम, क्रूड फाइबर 1 ग्राम, कैल्शियम 350 mg, आयरन 20 mg। तो यह है इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। इसका नेट वेट है 200 ग्राम और MRP 35। यह सस्ते रुपए में अच्छी डिश बनती है और बड़ी फ़ायदेमंद है, प्रोटीन से भरपूर है। जो वेजिटेरियन है उनको इसके लिए एग खाने की ज़रूरत नहीं है, यही उसकी पूर्ति कर देती है क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन है। और इसका MRP है 35 रुपीज़। इसकी एक्सपायरी डेट है 12 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर और बड़ी टेस्टी बनती है डिश। प्रोटीन रिच, हार्ट फ्रेंडली, हार्ट डिजीज़ वाले लोग खा सकते हैं इसे। 100% वेजिटेरियन है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुकिंग मेथड। 1 कप ऑफ पतंजलि सोया चंक्स गिव्स 1.5 कप्स ऑफ कुक्ड पतंजलि सोया चंक्स। और ये है विधि बनाने की। टेक 3 कप्स ऑफ वाटर एंड कम्प्लीटली इमर्स 1 कप ऑफ पतंजलि सोया चंक्स एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू इट। अवॉइड एडिंग सॉल्ट इफ मेकिंग अ स्वीट डिश। कुक इट फॉर 5 to 8 minutes। वंस इट्स कुक्ड, रिमूव द फ्रॉम फ्लेम। Rinse well in cool water 2-3 times and squeeze dry for further use in any of your favorite recipes। आप इससे अपनी मनपसंद डिशेस बना सकते हैं, जैसे कि सोया चिली और अन्य डिशेस। अगर आपको इससे कोई कंप्लेंट है तो आप इसकी कंज्यूमर केयर पर जाके फीडबैक दे सकते हैं। यह पतंजलि का है, और भी कंपनियों में आपको ये मिलता है और सभी में अच्छा प्रोटीन होता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। मैं आपको देता रहूँगा अगली बार और भी रिव्यूज़ और वीडियो।